बारां जिले के कोतवाली थाना इलाके में बाइक सवार पति पत्नी को अनियंत्रित कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में जयप्रकाश और उसकी पत्नी घायल हो गए, जिन्हें एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। घायल के पिता ने बताया है कि जयप्रकाश और उसकी पत्नी को छोड़ने ससुराल जा रहा था। इस दौरान रास्ते में अनियंत्रित कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद बारां कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयप्रकाश कोटा के लिए रेफर हो गए हैं और एमबीएस अस्पताल में उनका उपचार जारी है। साथ ही बारां जिले के अस्पताल में उपचार जारी है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। की पत्नी का नाम है वो रेनू। ससुराल जा रहे थे तो परिवार वालों को मिलने, तो बड़ा की बावड़ी क्या पता नहीं आगे से बाइक आई, इसका एक्सीडेंट उससे हुआ या टकराया ये पता नहीं, बेहोश हो गए। फिर किसी आदमी ने बुलाया, इनका मोबाइल छीन लिया, और कैसे छीन लिया इनके पता नहीं किसने लिए। और एम्बुलेंस में तो रेफर किया जो 12 बजे थे, 12 को इलाज वाज नहीं करा। 12 से इन्होंने हम बुला के पुलिस वालों ने फोन करिए, हम गए 12 गाड़ी लेके, तो एम्बुलेंस से इनको कोटा भी दिया,